हम सब नए साल का संकल्प लेने आए मैया कि आज के बाद इस घर में वही होगा जो तू कहेगी। हाँ सासू माँ, कन्हैया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम उनके संकल्प के साथ सहमत हैं। आज के बाद घर में आपसे पूछे बिना कोई कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी करेगा। हाँ माँ जी, वोत्रे उई ए उई, वोत्रे नो ए नो, मतलब आपने हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना। हाँ मम्मी जी, आप कहेंगी आ तो आ, जा तो जा, गा तो गा, खा तो खा, नहा तो नहा, मत नहा तो मत नहा। मैया, इस क्षण उपरांत हमारे निकेतन भीतर एकज पर्ण भी आपकी आज्ञा रहित विस्थापित नहीं होगा। हाँ मम्मी जी, प्रार्थना अपनी संस्कृत भी बोलना छोड़ देगी। अरे नहीं, इस घर में माँ जी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, और ये संस्कृत में नहीं हमेशा की तरह शुद्ध हिंदी में बोल रही है दीदी। अरे तुम घर के पत्ते की बात करती हो, मैं तो मोहल्ले के पत्तों को जाके बोल दूंगी कि सुनो पत्तों, तुम मम्मी जी की मर्जी के बिना हिलोगे नहीं। भैया, प्राणनाथ ने हमें प्रण का अभिज्ञान दिया है, तत्पश्चात हम समस्त कुलवधु उनके सत्कर्मों का अनुसरण अवश्य करेंगी। कन्हैया जी ने जो संकल्प लिया है वो हम सारी बहुएं सोते जागते खाते पीते हर वक्त निभाएंगी, कह रही है दीदी। हाँ माँ जी, आज से हर जरूरी चाहे गैर जरूरी बात आपकी मर्जी से ही होगी, और तभी जाकर हम सब आपकी माफी के हकदार बन पाएंगे। हाँ मैया, मैया बस ये समझ ले कि आज के बाद तेरी मर्जी के बिना इस घर में कोई सांस भी नहीं लेगा। खा रही है सरला, सोती क्यों नहीं? तूने अपनी नींद की गोली का भाई साहब को मीठे में खिला दी का? अरे मेरी छोड़ तेरी बता, सुबह से तुझे कह रही हूँ माफ कर दे माफ कर दे। अरे तेरी पार्टी में आके थोड़ी कमर ही तो लचकाई थी, कौन सा तेरी रसोई से बासमती चावल चुरा के भाग गई जो इतना गुस्साई बैठी है तू? हम तो मेहमान थे ना, बुला तो तेरी बहू ने था हमें। और मैं तो कहती हूँ कि तेरी बहुओं से भी नाराज होके क्या करेगी तू? आजकल की बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पड़ता होता तो तुझसे पूछ के पार्टी करती ना, बिना पूछे थोड़ी ना करती। कुंती, मैं तो सोच के हैरान हूँ कि तेरी बहू ने अभी से तुझ पर काट दिया। अरे कम से कम मेरी बहू जैसी भी है मुझसे पूछ के पापड़ी चाट खाने जाती है वो। पूछ के जाती है क्योंकि चाट पापड़ी वाला एक ही दिन में सास और बहू को उधार देने से मना कर देता है, इसलिए पूछ के जाती है। मैं तो मजाक कर रही थी कुंती, ये सब छोड़। मैं क्या कहती हूँ, मुझे तो लग रहा है कि तेरी बहू अभी से तुझे ठेंगा दिखा रही है। और तुझे पता है ना, एक बार किसी को ठेंगा दिखाया ना तो बार बार दिखाने का मन करता है। अरे तेरी बहू ना तो तुझसे, ओ महारानी, रात के 11 बजे मेरी बहुओं की कोतवाली करना बंद कर। वैसे तुझे एक बात बता दूं कि नए साल पर मेरी बहुओं ने संकल्प लिया है कि आज के बाद मुझसे पूछे बिना वो कुछ नहीं करेंगे। सच? हाँ सच, तेरे फुटबॉल जैसे शरीर की कसम, 100% सच। आज भी कुंती निवास की कमान कुंती के हाथ में है सरला, मेरी बहुओं ने बिना सजा दिए खुद ही प्रायश्चित कर लिया, अब तो करवट भी मुझसे पूछ के ही लेंगी। हाँ कुंती, तू कोई सपना देख रही होगी। सो जा, सपने तू देख। हे भोलेनाथ, चलो अच्छा है, मेरी बहुओं की कुछ तो अकल ठिकाने आई, अब देखते हैं कल का पूछ पूछ के करती है।
सरला तू आ गई, पंजीरी चाय। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया, कौन है? इतनी सुबह सुबह 4:30 बजे का मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए आई है? नहीं माँ जी, मैं तो आपसे पूछने आई थी। पूछने? ये क्या टाइम है पूछने का, और कहाँ पूछने आई है? यही माँ जी कि मैं जाके दातुन कर लूँ। दातुन कर लो? सुप्रभात मैया, प्रार्थना आपकी आज्ञा की प्रार्थी है। यदि आप अनुमति दे तो हम स्नान एवं शुद्धि गृह की ओर प्रस्थान करें। नहाने जाए या नहीं पूछ रही है दीदी। तुम दोनों बहनें क्या बोरा गई हो, पागल तो नहीं हो गई हो जो ये पूछने के लिए नहा लूं दातुन कर लूं? रोज क्या मुझसे ये पूछ के करती हो? नहीं मैया, परंतु नव वर्ष उपलक्ष्य पर प्राणनाथ ने हमसे प्रण का अभिज्ञान लिया था, तत्पश्चात हम समस्त कुल वधुओं के लिए प्रत्येक कार्य पूर्व आपकी अनुमति लेना अनिवार्य है। 4:30 बजे का कह रही है दीदी? लेकिन माँ जी, कन्हैया जी के साथ नए साल का जो बहुओं ने संकल्प लिया था उसमें कुछ भी करने से पहले आपसे पूछना जरूरी है, कह रही है दीदी। कुछ भी करने से पहले? यथार्थ। हाँ माँ जी, हमने आपसे कहा था ना कि अब से छोटी चीज भी आपसे पूछे बगैर नहीं करेंगे दीदी, और दीदी नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूँगी। लिपस्टिक पाउडर का हुआ? मम्मी जी, चीक आ रही है। चीक आ रही है तो तू ये बताने के लिए आई है? बताने नहीं आई, पूछ के आई हूँ, चीक है या नहीं? चीक ले। धन्यवाद मम्मी जी। मम्मी जी, हमने आपसे कहा था ना हम आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करेंगे, इसलिए पूछने आई थी। अब मम्मी जी मैं सो लूं, दातुन कर लूं, स्नान कर लूं। बोले ने ससुर से ब्रश करना ना ना यहाँ तक कि छींक लेना भी पूछ लिया। हाँ, तो कन्हैया जी ने तो हमसे संकल्प दिलाया था कि अब हम जो करेंगे मम्मी जी से पूछ के करेंगे। तो आपने ये भी पूछ लिया होगा कि सांस लें कि नहीं? ये तो मैं पूछना ही भूल गई। रुकिए, मैं अभी सांस रोक के मम्मी जी के पास जाके ये पूछती हूँ कि मम्मी जी मैं सांस ले लूं। परी, सांस छोड़ो सांस छोड़ो, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। अंगूठी छोड़ो। कन्हैया जी, आपको पता है मैंने तो सेल्फी लेने से पहले भी मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी मैं सेल्फी ले लूं? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं हूँ, घबराइए मत। अरे कितनी बार कहा इस तरह अचानक सामने मत आया कर, कहा है? मम्मी जी, मुझे ना आपसे पूछना था कि मैं सुबह की सेल्फी ले लूं। सेल्फी ले लूं? सेल्फी के क्या पैसे लगते हैं जो मुझसे मांगने के लिए आई है? पैसे नहीं, मैं तो आपसे आज्ञा मांगने आई हूँ मम्मी जी। हमने आपसे कहा है ना हम आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करेंगे। मम्मी जी सेल्फी ले लूं? हाँ ले ले। स्माइल। मम्मी जी अब दाई वाली सेल्फी ले लूं? अरे एक ही बार ले ले जितनी लेनी है। हाँ। मम्मी जी अब नीचे वाली सेल्फी ले लूं? कन्हैया जी, अब ना मैं मम्मी जी से जाके पूछ कर आऊंगी कि मम्मी जी मैं अपना मोबाइल चार्ज कर लूं? नहीं परी, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, सासू माँ से सिर्फ जरूरी चीजें पूछो। हाँ, तो सेल्फी लेने से ज्यादा और कौन सी चीज जरूरी हो सकती है? ये हम नहीं होने देंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। खूब
ऊपर बैठी सेठानी से हर चीज पूछी जा रही है। हम गरीब मजदूरों की मांग कोई नहीं सुन रहा है। क्या मांग रहे हैं हम? कि कस्तूरी चाट वाला समोसे के साथ हरी और लाल चटनी दोनों दे, समोसे के साथ हरी और लाल चटनी दोनों दे, गोलगप्पे में आलू ज्यादा और तीखा कम रखे, कुछ ज्यादा मांग दिए, एक्स्ट्रा पूरी दे दे, ये नहीं मांग सकते। नंदोई जी, आपकी मांगे मैं पूरी करती हूँ, चलिए अभी जाके चाट खाते हैं। नहीं नहीं, एक बार मैं मम्मी जी से जाके पूछा कि मम्मी जी मैं चाट खा लूं। चीचे कहाँ करते हो यार, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे हम तो अपने नाटक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही गलत नहीं बोल रही है। अब संकल्प लिए ही है तो पूछना तो पड़ेगा ना, चाहे वो जरूरी हो या नहीं। क्या गुरु, अब कुसुम को रात को 2 बजे चाय चाहिए होता है, ये उसके लिए जरूरी है, हमारे लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन उठ के बनाना तो पड़ता है ना। बात तो सही है, बात बड़ी है या छोटी ये सोचने के चक्कर में अगर जरूरी बात पूछना भूल गए तो। मतलब कन्हैया जी, अब से सासू माँ से हर एक चीज पूछनी होगी। सोच के देखो, संकल्प तो यही लिए थे ना। हाँ, और उसे निभाने में हम पीछे हटेंगे नहीं। ये क्या सिसी आ रही है, चुहा तो नहीं भगा रही? निषेध भैया, पूजा स्थल में निषेध। हम तो यह मनोहार संभाषित कर रहे थे, यदि आप अनुमति दे तो हम रगड़म पट्टी अग्नि उत्पादन पेटी प्रज्वलित कर ले। रगड़म पट्टी अग्नि उत्पादन पेटी यानी कि माचिस, माचिस जला ले, पूछ रही है दीदी। जला ले जला ले, दिल जलाने से अच्छा है माचिस ही जला ले। मैया मैया, दीप ज्योत प्रज्वलित कर ले। दिया जला ले, पूछ रही है दीदी। मैया, प्रभु समक्ष अर्चना थाल गोलम गोल घुमाव रचना कृत कर ले। आरती कर ले, पूछ रही है दीदी। तथा मंत्र उच्चारण का नाद प्रारंभ कर ले। मंत्र पढ़ ले, पूछ रही है दीदी। अरे कितनी बार पूछेगी, सुबह भी तो पूछा था पूजा करने से पहले। पर माँ जी, संकल्प तो यही लिया था ना कि हर चीज आपसे पूछ के ही करेंगे, इसलिए मैं। ठीक है ठीक है, अब मैं जरा 2 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़ लूं। पर माँ जी, मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। हाँ बजा ले तू भी घंटी। नहीं माँ जी, इससे पहले कि आप आरती शुरू करें, ये बता दीजिए कि मैं खाने में क्या बनाऊं। दही। दही? हाँ, जो मेरे दिमाग तक कर रही है ना, वही खिला दे सबको। बताइए ना माँ जी, आपसे पूछे बगैर मैं सब्जी कैसे बनाऊंगी? अरे सुबह भी तो यही पूछा था, क्या बनाऊं माँ जी? माँ जी, पर वो नाश्ते के लिए पूछा था, क्या बनाऊंगी माँ जी? भिंडी, भिंडी बना ले। भिंडी? ठीक है माँ जी, कौन सी भिंडी बनाऊं? भरवा भिंडी, सूखी भिंडी, आलू भिंडी या दीदी स्पेशल भिंडी? कोई सी भी भिंडी बना दे। कोई सी भी भिंडी, कितनी बनाऊं? जितनी सब खाते हैं उतनी बना ले। ठीक है माँ जी। माँ जी, नमक कितना डालूं? स्वाद अनुसार या फिर दीदी अनुसार? ठीक है माँ जी। माँ जी, हल्दी कितनी डालूं? अरे इससे अच्छा तो सब्जी मैं खुद ही छोक लूं। मेरी नहीं तो कम से कम भगवान की सोच, कब से इंतजार कर रहे हैं। मैया, प्रभु अर्चना थाल धारा आसीन कर दे, पूजा की थाली नीचे रख दे, पूछ रही है दीदी। नहीं नहीं, मेरे सर पे रख दे अवश्य। अरे भले बाबा, इनके रहते हुए तो पूजा होने से तो रही, मैं मौका देख के बाद में आती हूँ। माँ जी। माँ जी, सिल्वू प्ले दीत मुआ लकेल, मैं आपसे फ्रेंच में बात करूँ? तो पहले क्या संस्कृत में बात कर रही थी? वो माँ जी, मेरा मतलब ये है कि मेरा ना गाने सुनने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं गाने सुनूं? हाँ हाँ सुन ले। माँ जी, मेरे पास ये 2 CDs हैं, तो आप बताइए ना, मैं ये वाली CD सुनूं? ये वाली ये वाले, बॉलीवुड गाने, फ्रेंच गाने, हिंदी गाने, कौन से गाने बताइए ना माँ जी। ये खोले मम्मी जी, मैं ये अंगूठी पहन लूं? हाँ। अच्छा अच्छा, ये लिपस्टिक लगा लूं? हाँ चबा ले, मतलब कि लगा ले। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये इयररिंग्स वो भी पहन लूं? अरे पागल करेगी क्या, अब बंद कर ये फालतू की पूछताछ करनी। पंखा 4 पे चला लूं मम्मी जी?
खीर चम्मच से खा लूं मम्मी जी, टीवी देखने के बाद नाखून काट लूं मम्मी जी। अरे ये फालतू सवाल भी कोई पूछता है? मम्मी जी कोई पूछे ना पूछे, लेकिन हम तो पूछेंगे, हम तो पूछेंगे। बात सुन मेरी और ध्यान से सुन, आज के बाद कोई फालतू सवाल नहीं पूछेगी, सिर्फ जरूरी बात पूछेगी। ठीक ठीक मम्मी जी, मैं जाऊं? अभी मैंने कहा ना कि सिर्फ जरूरी चीज पूछेगी। परी सिर्फ जरूरी चीज पूछेगी, परी सिर्फ जरूरी चीज पूछेगी, परी सिर्फ जरूरी चीज पूछेगी। कुंती, ते सरला, सुधा, वो मेरी चीनी खत्म हो गई थी। आओ आओ, हाँ आजा। अरे कुसुम, देखना सरला आंटी चीनी लेने आए हैं, उठ। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। आजा। सरला, हाँ। तू चिल्ला तो ऐसे रही है जैसे चीनी नहीं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खत्म हो गई हो। कुंती, सरला मुझे बता रही थी कि तेरी बहू एक गजब ढा रही है। और नहीं तो क्या, एक एक काम पूछ के करती है कुंती से। कुंती ही बता रही थी ना। समझ गई सरला, तू कौन सी चीनी लेने के लिए आई है। नहीं कुंती, तुझे तो पता है ना, सरला की बात पे यकीन करना मतलब हाथ से अखरोट तोड़ने के बराबर है। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा खुद ही आके देख लेती हूँ। मतलब आज भी मुझे यकीन नहीं होता है कि कलयुग में बहुएं सास से पूछ पूछ के काम करती हैं। अरे आंटी, आजकल तो ऐसे हाले मिजाज हैं कि भाभियां मैया से पूछ पूछ कर पानी पीती पता नहीं। अच्छा, आप चाय पियेंगी या कॉफी? पर बेटा, तूने ये पूछने से पहले अपनी सास की आज्ञा नहीं ली? लेकिन ये बात तो मैंने मम्मी जी से पूछना जरूरी समझा। नहीं, आज के बाद कोई फालतू सवाल नहीं पूछेगी, सिर्फ जरूरी बात पूछेगी। ठीक। अच्छा मैं काम करती हूँ, आपके लिए चाय बनवा के लाती हूँ। हाँ सरला आंटी, आप ना अपनी बहू माला को कहिएगा कि मैं इतवार को ना उसके साथ इतवार बाजार नहीं जा सकती। वो क्या है ना, मैंने ना कन्हैया जी के साथ पिक्चर की टिकट्स बुक कराई हैं। और ये तो तूने अपनी सास से पूछ के ही किया होगा। लेकिन ये बात मैंने मम्मी जी से पूछनी जरूरी समझी। नहीं, तू तो बड़ी डींगे मार रही थी कि इसकी बहू है सूर भी बिना इजाजत नहीं हिलाती, और ये तो पिक्चर जा रही है वो भी इससे बिना पूछे। कोई बात नहीं कुंती, तुझे ना सपना आता होगा कि तेरी बहू है ना पूछ पूछ के तुझसे काम कर रही हो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। सासु माँ, वो मुझे हिसाब लिखना था तो डायरी खोलूं? आ? खोल ले। अच्छा ठीक। सासु माँ, मैं हिसाब लिखूं? लेकिन सुन, लाल पेन से। सासुमा, मैं हिसाब की डायरी रख दूं? लेकिन बंद करना पूछा? सॉरी, डायरी बंद कर लूं? हाँ कर ले। सासु माँ, वो प्रेमा पूछ रही थी कि
क्या वो टीवी देख ले? हाँ देख ले। ठीक है। पंजीरी सासू माँ, पंजीरी पूछ रही थी कि वो अपनी दीदी के लिए मुनक्के डालकर गरम दूध उबाल ले। हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है। सॉरी मैं जाऊं? हाँ लेकिन पहले दायां पे फिर बायां, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, लेकिन बेटे चलना भी है। ओह दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, बेटा हाँ आंटी को नमस्ते भी करके जाओ। हाँ नमस्ते 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 नमस्ते। अब यकीन आया कि सच है कि सपना? और जौनसी चीनी लेने आई थी, मिल गई ना?